व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि वो तीन गलतियों के बारे में जो हर बच्चे करते हैं ज़्यादातर जब वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, स्पेशली जब लातविया में शिफ्ट होते हैं वो या लातविया आते हैं, तो तीन गलतियाँ मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग करते ही हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो तीन गलतियाँ नहीं करेंगे, जिससे कि आपका ये सफ़र जो है एजुकेशन का लातविया में स्मूथ रहेगा। तो ध्यान से सुनना आखिरी तक, लेट्स बिगिन। तो भाई पहली गलती, ज़्यादातर लोग जब यहाँ आते हैं तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से यहाँ से ना शिफ्ट होके हम फ्लैट में अपार्टमेंट में चले जाएँ। तो मेरे हिसाब से ना वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इनिशियली जब तुम यहाँ आते हो, क्योंकि जब तुम यहाँ आ जाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मालूम नहीं होती हैं। हॉस्टल में फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको हॉस्टल में, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें बता सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता रात बिरात अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हॉस्टल में लोग हैं जिनके आप कमरे में जाके नॉक करके चीज़ें मांग सकते हो, और ज़्यादातर लोग दे देते हैं, हेल्प कर ही देते हैं, राइट। बट अगर आप अपार्टमेंट में जाते हो तो आपके सिर्फ गिने चुने जिनके साथ आप शिफ्ट होगे 2-3-4 लोग मिलेंगे, वो भी अगर काम पर चले गए तो आप अकेले रहोगे, और जब अकेले रहोगे आप तो दिक्कत क्या होगी कि उसके बाद आप अकेले ना लोनली भी फील करोगे, क्योंकि यहाँ आप लोनली फील करने वाले हो जब आप इनिशियली आओगे, क्योंकि आप बाहर जाके बात नहीं कर सकते, चाय की गुमटियाँ नहीं है यहाँ जहाँ आप खड़े होकर सुट्टा मार लिए या चाय पी ली या लोगों से बात कर ली, तो ये लोनलीनेस फील होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप कुछ दिन, एटलीस्ट एक साल मैं कहूँगा, पहला साल आप हॉस्टल में गुजारो। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, पैसे तो ही बचेंगे, खैर जब आप साथ में 4-5 लोगों के साथ अपार्टमेंट लेते हो तो उतना ही खर्चा आता है, बट इससे आप लोनली फील नहीं करोगे, इससे आप डिप्रेस फील नहीं करोगे, और इससे आपको रात बिरात कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, कुछ नहीं है, बेलन नहीं है, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, खाना बनाना है तो, या ब्रेड नहीं है आज, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ सामान मिलना मुश्किल हो जाता है, ब्रेड नहीं है, तो आप इससे भी कुछ भी मांग सकते हो, अपना काम चला सकते हो। तो दूसरी गलती है मेरे भाई कि जब भी आप यहाँ आओ तो प्लीज़ स्टे एक्टिव एंड स्टे फिजिकली एक्टिव, मतलब फिजिकली एक्टिव बेसिकली। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ आओगे तो बहुत सारा अकेलापन आपको महसूस होगा यहाँ, और आई डोंट नो आवाज़ हवा इतनी देर से चली, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ तो आ रही है आवाज़, मैंने चेक कर लिया, खैर। तो जिससे कि आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रह के काम कर सकते हो। इसी बात पर आ गए हमारे अब्दुल्ला भाई, क्या बात है, यो यो सर। तो भाई अब्दुल्ला आ जाओ बैठ जाओ। तो आप इसलिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको स्ट्रेस कम होगा और आप आराम से डिप्रेशन और लोनलीनेस फील नहीं करोगे, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल सही सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे, बताएं। ये व्लॉग है हाँ, तो जो यहाँ पे आने वाले हैं बच्चे वो तुम्हें, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी एक गलती है जो हर बच्चा आते साथ करता है? यहाँ पे आते साथ जो सामान खरीद, यहाँ पे लोग खरीदते हैं करके जल्दी जल्दी, तो वो लोग गलत शॉप से, महंगी शॉप से और ज़्यादा पैसे में खरीद, इसलिए वो अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं। तो इसलिए जो अपने सीनियर्स हैं जो यहाँ पे हैं उनसे पूछो, वो गाइड कर देंगे, वो तभी गाइड करेंगे जब आप हॉस्टल में रहोगे। इसलिए बेटर है कि आप हॉस्टल में रहो, वो मैं बोल ही चुका हूँ। और मैंने भी गलती की थी, सब करते हैं आकर के महंगी महंगी सामान ले लेंगे, फिर उनके पैसे खत्म आते हैं, फिर बोलते हैं पैसे खत्म होंगे घर से लाते, जो ये होता है। और तीसरी गलती जो इम्पोर्टेंट मुझे भी लगता है, जो मैं हमेशा सोचता हूँ, वो है बताओ। हाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं फॉरेन, यहाँ के यूरोपियंस को देख करके डरते हैं, लगता है कि ये लोग मतलब सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप उनसे बात करोगे तो बहुत फ्रेंडली बात करेंगे और तुमको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जो तुम उनसे पूछोगे, तुम कुछ हेल्प मांगोगे वो हेल्प भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, ऐसा वो नहीं समझते कि हम लोग बहुत नीचे हैं, तो ऐसा कि हम लोग बहुत अनडेवलप्ड देश से आए हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं समझते, काफ़ी मतलब वो लोग मतलब हिचकिचाते हैं थोड़ा सा, हिचकिचाते हैं क्योंकि आप, एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग अंग्रेज़ी नहीं है, यहाँ के लोग अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए लोग बात करने में सोचते हैं कि मतलब कि इसकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, तो हम लोग मतलब बेइज्जती फील करते हैं, इसलिए वो इसलिए कन्वर्सेशन नहीं करते। दूसरी बात, आप काले हो भाई इसलिए बात नहीं करते, क्योंकि थोड़ा डर लगता है, उनको डर लगता है कि अलग अलग कहाँ से आ गए ये लोग, ये वाली बात, तो यहाँ ये ध्यान रखना जी।
Guys, that's it for this vlog. I hope you liked the vlog. If yes, like, share and subscribe. And don't forget to comment your queries. Like कर दोगे तो दोस्त मेरे को और ज़्यादा उत्साह और मोटिवेशन आएगा मोर वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.